हेलो स्टूडेंट, आई एम यूसुफ योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास फोर साइंस चैप्टर नंबर टू, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। आज हम चैप्टर नंबर टू पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर ऑन अवर, प्लांट्स पौधे हर जगह उगते हैं हमारी पृथ्वी पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न तरह के पौधे उगते हैं विभिन्न तरह की जगहों पर। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ डेट प्लेस, उस जगह की जलवायु के अनुसार। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एरियाज, कुछ पौधे जो है गर्म जगहों पर उगते हैं। सम इन कोल्ड, कुछ ठंडी। सम इन ड्राई एरियाज एंड सम इन वेट एरियाज, कुछ सूखी जगहों पर और कुछ नमी वाली जगहों पर उगते हैं। हमारी पृथ्वी पर कई तरह के पौधे हर जगह उगते हैं, मगर वहाँ की उस जगह की क्लाइमेटिक यानी कंडीशन के यानी जलवायु के अनुसार। कुछ गर्म जगह होती हैं, कुछ ठंडी, कुछ सूखी और कुछ गीली। चलिए आगे देखते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, इस चैप्टर का नाम भी है अडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। यानी अनुकूलन क्या होता है? एन अडेप्टेशन इज ए मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्लांट्स स्ट्रक्चर और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव। यानी अडेप्टेशन किसको कहते हैं? अडेप्टेशन यानी एक अनुकूलन इज ए मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्लांट स्ट्रक्चर, पौधों के स्ट्रक्चर में सुधार या बदलाव यानी और आचरण में। डेट हेल्प इज टू सर्वाइव, यानी जिससे वो जीवित रहते हैं। कहने मतलब ये है कि ऐसी वातावरणीय परिस्थितियाँ जिसके अनुसार पौधे अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लें। कहीं पर अगर गर्म जगह है या कोई ठंडी है, तो जैसा एनवायरनमेंट है उस जगह के हिसाब से अपने आप को पौधे वहाँ बदल लें या चेंज कर लें, ढाल लें, इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, यानी कि हैबिटेट निवास स्थान। द प्लेस वेयर प्लांट्स लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट, जहाँ पर पौधे रहते हैं या होते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। यानी कि हैबिटेट वो जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ रहती है। जैसे हम गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो ये हमारा हैबिटेट होता है, यानी कि निवास स्थान। तो द प्लेस वेयर प्लांट्स लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट, यानी कि जिस जगहों पर पौधे होते हैं या रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, निवास स्थान। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पौधों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स डेट ग्रो ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, पौधे वो जो ज़मीन पर उगते हैं और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि जो पौधे ज़मीन पर उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, यानी भूमिगत पौधे। भूमि पर या ज़मीन पर उगने वाले पौधों को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट को हमने इन्होंने कई डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है, ना अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें देखते हैं पहला है डेजर्ट प्लांट्स यानी डेजर्ट, दूसरा हिल्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, मर्सी, कोस्टल एरियाज। यानी डेजर्ट रेगिस्तान एरिया, जिसमें रेगिस्तान में पौधे होते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स। हिल्स पहाड़ी, प्लेन समतल, फॉरेस्ट जंगल, मर्सी यानी कि दलदली जगह, दलदली एरिया, कोस्टल तटीय। इसके बाद एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर और कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स, पौधे वो जो पानी में उगते हैं उसको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। यानी कि कहने मतलब है जो पौधे पानी में उगते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, यानी कि जलीय पौधे।
एक्वाटिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी एक्वाटिक प्लांट्स को भी कई भागों में बांटा गया है, डिफरेंट ग्रुप में यानी विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स प्लांट्स, तीसरा है अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स यानी कि बहने वाले पौधे जो पानी में बहते हुए चलते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, जो पानी बहता है उसी के साथ वो भी पौधे बहते हैं। दूसरा फिक्स प्लांट्स, जो पानी के अंदर जिसकी जड़ फिक्स होती है, यानी कि पानी तो बहता रहेगा मगर वो पौधे वहीं पर रहेंगे, उनको बोलते हैं फिक्स प्लांट्स। एक होता है अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स उसको बोलते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, यानी कि पानी के हम अंदर जाएंगे तभी वो पौधे हमको दिखाई देंगे, यानी वो बाहर दिखाई नहीं देते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं, उनको बोलते हैं हम अंडर वाटर प्लांट्स। तो तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स यानी एक्वाटिक प्लांट्स को। एक्वाटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में उगते हैं, इनको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। इस वीडियो में मैंने अडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया कि पौधे हमारे हर जगह उगते हैं पृथ्वी पर, मगर उस जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स दो तरह के पौधे दिए थे, जो ज़मीन पर उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और जो पानी में उगते हैं उसको एक्वाटिक प्लांट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक पर डिस्कस किया है, इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से स्टडी करें, देखें और समझें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से स्टडी करें और अपना ख्याल रखें।